And I'm feeling very, very privileged to have been working with Naresh ji, Anand ji, the composer, and of course, Benny Dayal. It's a peppy song. It's a peppy song. Style hai gaane mein, attitude hai, and great song. Artist abhi bas recording hum log ki khatam hui hai. Shooting ka abhi pata nahi chala. So let's see. Aaj ki line kya hai gaane ki zara gunmune? Yes, of course. I love to. आँखों की पलके झुकी है हलचल भी दिल में जरा है नजरों से नजरें मिला के चल खो जाए तुम हम तुम बारिश के बादल बने हैं रेशम से ख्वाब सजे हैं बातों में बातें बढ़ा के चल खो जाए तुम हम तुम That's the song हम तुम ये एक पॉप सॉन्ग है सिंगल है जो कि टाइम्स म्यूजिक के साथ है ये एल्बम नहीं है पर इट्स अ सिंगल या एल्बम का कितना बड़ा मार्केट है बात करें ये 90 का दशक दोबारा आ गया है एल्बम दोबारा स्टार्ट हो गया सोनम से लेके ऋतिक जैसे एल्बम में काम कर रहे हैं एल्बम अभी देखिए ये एल्बम नहीं है मैं बार बार बोल रही हूँ ये एल्बम नहीं है इट्स अ सिंगल अभी लोग पसंद करते हैं ऐसे गाने जो मूवी में क्या होता है मूवी में बहुत सारे गाने होते हैं शायद सब गाने लोग कुछ ही सॉन्ग हिट होते हैं सब गाने नहीं आते हैं मतलब इतना बड़ा नहीं बन पाता पर ऐसे गाने जो है जो सिंगल है लोग सुनना भी पसंद करते हैं ईजी रहता है लोगों तक पहुंचने के लिए तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट बंगाल से है बर्मन नहीं असम से ये तो असम का भी एक सिंगिंग का बहुत बड़ा इतिहास है यस यस ऑफ कोर्स तो इसके अलावा और क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं आपके जो आपने किए हैं अभी तक मेरा जो मैं कर रही हूँ प्रोजेक्ट असम में है कुछ फोक सॉन्ग मेरे आ रहे हैं अभी पर दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग जो मार्केट में अभी आएगा आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है सॉरी बॉलीवुड में बोलूँ श्रेया जी सुनिधि जी श्रेया एंड सुनिधि कैसा लग रहा है एक साउथ के बहुत बड़े माने हैं बेनी दयाल जी ऑफ कोर्स कितना आपने आपको ओ माय गॉड आई एम वेरी 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 प्रिविलेज्ड बिग अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ एक गाना गा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है क्या बोलूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू बदली है चाक सी रोशनी हम कैसा है अब दिल में बदली है चाक सी चाक की रोशनी बदली है चाक बदली है चांद बदले नजारे बदली सी राहें बदली है चांद की रोशनी बदली सी राहें बदली है चांद की रोशनी गम के साए हैं अब दिल में गम के साइड पे एक बार सुन लीजिए गम के साइड चांद की रोशनी गम के साए अब दिल में गम के साए अब दिल में गम के साए अब दिल में करेक्ट बदली है चांद की रोशनी गम के
उसकी जो वर्ड्स की कंटिन्यूटी थोड़ा सा गोल गोल घूम के हाँ चलो खुद ना पहचाने खोया है ये खानूं क्या करूं दिल नहीं जाने ढूंढे कल की इनायत अभी बन के एक अजनबी खुद से ही लड़ाई है ओके चलो बाप रे राहों में ही हम सफर छोड़ कर खो दिए सारे अब दिल ने अपना ही चेहरा खुद न पहचाने खोया है ये कौन हूँ क्या करूँ दिल नहीं जाने ढूंढे कल की नायत अभी बन के एक अजनबी खुद से ही ये लड़ाई है कठेरे में मेरी परछाई है दिल की सुनवाई है महंगी साजे की दुआई है आंखों में छाई है तन्हाई अंधेरों की गहराई है कैमरा पीछे लेना बॉस थैंक यू
संगीत अजनबी देखिए, एक तो सबसे पहले तो बता दूं कि हम आज दो गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो बनी दयाल गा रहे हैं। उसमें एक गाना है डुएट जो बनी दयाल और ज्योति का गा रहे हैं। ज्योति का जो है वो नई सिंगर हैं, और दूसरा गाना जो है वो एक सॉफ्ट बैलेड है। और ये दो गाने बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो के साथ देखने में मिलेंगे। और मेरा एक किस्म से कुछ आप इसको कमबैक जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच में कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा काम को रोक रखा था और अब फिर से मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने शुरुआत की अभी नॉन फिल्म कर रहा हूं, मैं फिल्म का अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। और जहां तक इन दोनों गानों की बात है तो एक वैलेंटाइन के दौरान रिलीज़ करने की प्लानिंग है और दूसरा उसके बाद आएगा। बेनी दयाल को आप सब ने बहुत, मतलब उन्होंने तो हर किस्म के गाने गाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आमतौर से बेनी दयाल जी के जो फास्ट टेम्पो नंबर्स वगैरह जो होते हैं उसमें तो वो माहिर हैं ही हैं। लेकिन इस बार जो मैंने एक गाना उनसे गवाया है, एक स्लो बैलेड है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि बैनी से अच्छा इस गाने को कोई नहीं गा सकते। और ये एक अजीब किस्म की मेरी चॉइस थी कि एक स्लो बैलेड के लिए मैंने उनको, बैनी को इसलिए सेलेक्ट किया। और मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये गाना सुनने के बाद आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये बहुत ही स्लो और एक खोया हुआ गाना, जैसे होता ना कि एक इंसान खोया हुआ और वो अपने अकेले में कैसा गा रहा है, वो गाता है। तो बैनी ऐसे गानों के लिए पहले कभी जाने नहीं गई, लेकिन इस गाने के बाद में आप देखिए कि मतलब उनकी जो रेंज है वो आपको पता चलेगी। वो मतलब इट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। नरेश जी और बैनी जी की कॉम्बिनेशन है, जाहिर सी बात अच्छी होगी। इतने दिनों के बाद कमबैक करना, क्या रीजन है नरेश जी? संगीत से आदमी दूर रह नहीं सकता है, म्यूजिक से ना मैं कभी दूर हुआ था ना होऊंगा। बस एक ऐसा वक्त आया था कि मतलब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने भी अभी नियरली मेरे ख्याल से करीब एक 35 साल हो गए हैं मुझे भी, 35 ईयर्स ऑफ म्यूज़िक, और मैंने म्यूज़िक के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फिर से ये करना चाह रहा था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। एक होता ना कि आदमी वक्त के साथ जब चलता है तभी वो कामयाब रहता है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को वक्त के साथ जोड़ने के लिए मैंने एक ब्रेक लिया था कि अभी आगे मुझे और क्या करना चाहिए। तो अब इन दोनों गानों में आपको बात नज़र आएगी। और एक शख्स का नाम मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाने में मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मुझसे पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है आनंद शेषाद्री। वो अपने आप को अर्श के नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे दो लोग पार्टनर्स होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या कल्याण जी आनंद जी, ऐसे पार्टनरशिप में करते हैं। तो हम दोनों ने मिल के किया है ये, लेकिन इस बार हमने क्रेडिट अलग अलग रखी है दोनों की। उनको मतलब मेरे डायरेक्शन में, मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में उनकी कंपोजिशन को हम दोनों ने मिलकर इसको ढाला है, तो इस तरीके से ही हुआ है। गाना इतना
कैची गाना है इतना कि सुनते हुए बाहर निकलने का दिल नहीं करता है, कैसे जहन में आया गाना सर, क्या मतलब ये चीज जो है? तो देखिए ये कैसा बनाएंगे आप? ये जवाब बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होता है क्या होता है ये तो मुझे लगता है कि हर कंपोज़र आपको यही जवाब देगा कि ये मुझे पता नहीं कैसे होता है। ये सारी चीज़ें दिल से रूह से जब किसी गाने की ऐसी बात होती है ना कि भाई ये बड़ा कैची है, ये जहन से उतरता नहीं, इसका मतलब ये कि जब कोई गाना आपकी रूह से निकलती है कंपोजिशन तभी ऐसा जादू होता है। अदरवाइज़ गाने बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन फिर आप कुछ वक्त में भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आप कभी जीवन भर भूल नहीं सकते, ये उनमें से एक कंपोजिशन है। दिल की सुनवाई है, कटेरे में मेरी परछाई है, आँखों में छाई है तन्हाई, अंधेरों की गहराई है, सुनवाई है। थैंक यू। सर बात करें इस एल्बम के बारे में, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये एक वैलेंटाइंस डे का एल्बम है, तो एक पूरा रोमांटिक एल्बम है और ये टाइम्स म्यूजिक का एक रिलीज़ होगा और नरेश अंकल और अंकल का एक डिसाइपल जो है अमेरिका से, वो उन दोनों ने साथ में बैठ के इन सॉन्ग्स को कंपोज किए हैं और मैं एक्चुअली बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं नरेश अंकल के सामने काम कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड, सब लोग जानते हैं। और नरेश अंकल को मैं पहली बार मिला था मिथुन की ओर से, बिकॉज यू नो मैं जानता नहीं था कि मिथुन के पापा इतना बड़ा हस्ती है, एंड टुडे आई एम वर्किंग विद हिम, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर, और ही इज़ वेरी वेरी रिलैक्स्ड कंपोज़र। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि यू नो उस ज़माने से आज तक ऐसे कंपोजर्स हैं जो बहुत यू नो फ्रीडम देके गवाते हैं सिंगर्स को। एक्चुअली एक ज़माना था जब यू नो बहुत सारे सिंगर्स को वही गाना था जो कंपोज़र कंपोज किया करता था, और यू नो ही इज़ एब्सोल्युटली सो एडवांस्ड एंड सो चेंज फ्रॉम दैट देम टू नाउ, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस गाना बहुत चैलेंजिंग है और एक लव सॉन्ग मैं अभी ख़त्म किया हूँ, अभी एक और गाना बाकी है रिकॉर्ड करने के लिए और मैं बस वही गाना ख़त्म करने के लिए वेट कर। जैसा हमने देखा कि गाने के साथ आप खुद भी एंजॉय कर, बहुत ही मस्त गाना है, बहुत ही कैची सॉन्ग है। हाँ जी, क्या कहना है गाने के लाइन हो? मैं बस बहुत बहुत स्वीट गाना है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं, ये एक दिल की दर्द की बात है और यू नो अंकल ने वही बोला था कि नो यू हैव टू फील द पेन, ऐसा कि आप अकेला है और दुनिया में और कोई नहीं है, तो अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस प्यार को आप कैसे जताएं, बस वो अपनी वॉइस से आप कीजिएगा, बस वही क्या हूँ। और एक लाइन से ज़्यादा मैं एक्चुअली लिरिक्स मेरे मैं देख के गाना सकता हूँ, बिकॉज मैं अभी ख़त्म किया हूँ ना।